हेलो दोस्तों, आज मेरी मम्मी फ्रेंच फ्राइज बनाने जा रही हैं। उसके लिए आलू को छीन ली है, अब उसे काटने जा रही हैं। तो हाँ दोस्तों, हमारी आलू कट चुकी है, अब हम लोग इसे 2-3 बार अच्छे से धुल लेंगे। अब हम लोग इसे फिर से धुलेंगे साफ पानी से। अब हम लोग इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये एक के बाद अब और तो दोस्तों, अब हम लोग आलू को अच्छे से धुल चुके हैं। अब इसे बॉईल करेंगे नमक डाल के, ताकि अच्छे से घुल जाए। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये बॉयल हो रहा है अच्छे तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू थोड़ा हल्का हल्का बॉयल हो चुका है। अब इसको दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। ये हम लोगों ने दूसरी प्लेट में आलू को निकाल लिया। तो अब इसको हम लोग प्लेट में निकाल के सुखवा लेंगे, फिर उसको बॉयल करेंगे। तो दोस्तों, ये सूख गया है, अब इसको तेल में फ्राई कर लेंगे। ये भी देखिए, इसको तेल में फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करेंगे जब तक ब्राउन ना हो जाए दोस्तों। अब मम्मी इसको धीमी आंच में पका ली है। कितना अच्छा ब्राउन हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरी मम्मी इसको निकाल ली है और हमारा फ्रेंच फ्राइज बन के रेडी है। अब इसमें मिर्चा पाउडर मिला देते हैं। इसमें चाट मसाला और धनिया मिल गया है। अब मैं और मेरी सिस्टर खाएंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप भी ऐसे बनाइए और बताइए कैसा लगा। धन्यवाद। लगाए तो खाई नहीं। मम्मी खाओ, बहुत मस्त।